हेलो माय डियर इंजीनियर्स, आपका स्वागत है राइट सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चेयर बार की कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ चेयर बार से रिलेटेड जो इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है साइट इंजीनियर के लिए और बिलिंग इंजीनियर के लिए भी। तो चलिए फिर वीडियो को चेयर शुरू बार जो करते है, हैं। जो आप ये देख रहे हैं, एक ये कॉमन टाइप का रेनफोर्समेंट बार है जिसका हम लोग यूज फुटिंग में भी करते हैं, स्लैब में भी करते हैं, और जो हमारी स्टेयर केस की बेस स्लैब होती है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। जहां पर भी डबल मेस बनता है रेनफोर्समेंट बार का, तो वहां पर हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे और इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते जब हैं। आप चेयर बार की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक चीज इसमें ध्यान देना होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वो चीज पता चल जाएगी तो आप इजीली इसकी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। चेयर बार की जो ये हाइट होती है, यही हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। हाइट आपकी निकल गई तो जो आप देख रहे हैं हेड और ये लेग, इसके लिए कोई रूल नहीं दिया गया है कि आपको हेड कितना रखना है और एल कितना रखना होता है। चेयर बार से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेयर बार की कभी भी डिटेल किसी भी ड्राइंग में आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने साइड के अकॉर्डिंग इसको यूज करना होता है और जो इसका मेजरमेंट है वो एक्चुअल बेसिस पे आपको करना होता है। और एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो चेयर बार यूज कर रहे हो स्लैब में या फुटिंग में, आपको उसके नंबर्स को काउंट कर लेना है, और जो आपका पोर कार्ड है उसमें आपको इसकी साइज और नंबर्स को मेंशन कर देना है। क्योंकि जब आप स्लैब या फुटिंग में स्टील की क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम आप ड्राइंग के माध्यम से जो स्टील आपकी लग रही है फुटिंग या स्लैब में, आप उसकी क्वांटिटी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन चेयर बार का कोई भी डिटेल जो है वो ड्राइंग में नहीं है आपके, तो इसका आपको जो है फिजिकली रिकॉर्ड रखना होगा। तो इसीलिए इसकी डिटेल को पोर कार्ड में नोट डाउन करना होता है कि जब हम स्टील का रिकंसलेशन करें तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम ना हो, और इन सब चीज़ों को जो हमारे बिलिंग इंजीनियर वो हैं भी इसे चेक करते हैं। चलते हैं जो हमारी ये चेयर बार है अब उसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी जो ये फुटिंग है वो 3400 mm बाई 3000 mm है, और इस फुटिंग की जो डेप्थ है वो 800 mm है, और इस फुटिंग में हमारे बॉटम में जो स्टील बार लग रही है उसका जो डायमीटर है वो 20 mm है, और उसकी जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर वो 140 mm है, और टॉप में भी जो हमारी स्टील बार यूज हो रही है उसका जो डायमीटर है 20 mm है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर 140 mm है। तो हमारी जो फुटिंग है उसका ये सेक्शन है, और आप देख रहे होंगे ये जो हमारी बॉटम की रिइंफोर्समेंट बार है और ये टॉप की रिइंफोर्समेंट बार है, इसके बीच में हम इस चेयर बार को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हम लोग चेयर बार ये यूज करते हैं फुटिंग या स्लैब में, उसका जो मेन पर्पज होता है, जो ये बॉटम की रिइंफोर्समेंट बार है और ये जो टॉप की रिइंफोर्समेंट बार है, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखने को, और जो आपकी ये टॉप की रिइंफोर्समेंट बार है इसको ये होल्ड करके रखता है। आपकी टॉप की स्टील बार इसी चेयर बार के ऊपर रेस्ट करती है, इसीलिए हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं जिससे कि इन बार का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर बना रहे, और जो आपकी ये टॉप की कवर है वो भी मेंटेन रहे। अगर इसमें चेयर बार नहीं देंगे तो ये आपकी बार जो है टॉप वाली वो नीचे की साइड आ जाएगी, यहाँ पर आपका कंक्रीट का कवर भी ज्यादा मिलेगा। तो यही पर्पज होता है हमारा चेयर बार को यूज करने का। तो अब चलते हैं इसकी हम कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मैंने चेयर बार का डायग्राम बनाया है। चेयर बार कुछ इस तरीके से हमारी होती है। तो सबसे पहले इस चेयर बार की हम हाइट को निकालेंगे। तो हाइट को निकालने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होगी। पहली चीज, जो आपकी फुटिंग है उसमें आप कितना क्लियर कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस फुटिंग में हम क्लियर कवर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 50 mm कर रहे हैं, बॉटम से और टॉप से भी। और दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है कि आपकी जो फुटिंग है या स्लैब है उसमें जो आपके स्टील बार यूज हो रहे हैं उनका डायमीटर कितना है। तो इस फुटिंग में बॉटम की जो मेन और क्रॉस है उसमें 20 mm डाय की स्टील बार यूज हो रही है, और टॉप की जो स्टील बार है मेन क्रॉस की वो 20 mm की है। तो ये हमें चीजें पता चल गई। अब हम एच की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एच इक्वल टू हो गया
800 जो हमारी फुटिंग की टोटल डेप्थ है। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम कवर, 50 mm इस साइड से, 50 mm इस साइड से, तो हमारा कितना हो गया 100 mm। अब हम माइनस करेंगे स्टील बार के डायामीटर को, तो आप देख रहे हैं जो हमारी ये चेयर है वो इस स्टील बार के ऊपर रेस्ट कर रही है बॉटम की, और टॉप की जो स्टील बार है वो हमारी चेयर के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो 20 mm इस डाया को हम कंसीडर कर रहे हैं, 20 mm इस डाया को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो गया 40 mm हो गया। अब हम माइनस करते हैं ये वाली बार को, इसका डायमीटर हमारा 20 mm है, और ये वाली बार जो है उसके डायमीटर को, तो ये भी हमारा हो गया 40 mm। तो एच की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो जो हमें निकल के मिल रही हो 620 mm मिल गई। तो यहां पर हमने एच की वैल्यू को निकाल लिया है। अब जो कटिंग लेंथ निकालने का फार्मूला होता है चेयर बार का, वो हमारा होता है 2 × H प्लस ई प्लस 2 × L माइनस 8D। अब ये 8D क्या है, तो ये हमारा बेंड डिडक्शन है। तो इस चेयर में कितने बेंड हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, और जो हमारी ये बेंड है वो 90 डिग्री के बेंड है। तो 90 डिग्री के बेंड के लिए हम 2D माइनस करते हैं, तो हमारे चार बेंड हैं, तो 2 × 4 हमारा हो गया 8। अब हमें E की वैल्यू और L की वैल्यू क्या है कंसीडर करनी होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था हेड और जो लेग होता है उसका डिटेल कहीं दिया नहीं रहता है, तो इसको हमें कंसीडर करना होता है। तो यहां पर हमने हेड की जो वैल्यू है वो हमने मान ली है 900 mm, और एक की जो वैल्यू है उसको यहां पर हमने कंसीडर कर लिया है 450 mm। तो अब इन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में चलते हैं पुट करते हैं। 2 × H हमारा कितना आया था 620 प्लस 900 प्लस 2 × 450 माइनस कर देंगे 8 × 25 हमारा क्या है, जो हमारी चेयर बार है उसका डायमीटर। तो हमने चेयर बार का जो डायमीटर है वो 25 mm लिया है, तो इसको चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1240, 900 प्लस 900 ये हमारा हो गया 1800 माइनस 200। तो अब जो हमें वैल्यू मिल रही है वो आ रही है 2840 mm। तो हमने चेयर बार की कटिंग लेंथ निकाल ली है, वो निकल कर आई वो 2840 आई है। तो ये हमारी चेयर बार की कटिंग लेंथ निकल कर आ गई। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम चेयर बार की कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है जब हम कटिंग लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम। अब आगे मैं इसी वीडियो में दो पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग स्किप ना करिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और काफ़ी सारे लोगों को देखा है उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, जो हमारी ये चेयर बार हैं उनकी जो स्पेसिंग है वो हम कितनी रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चेयर बार से जो दूसरी चेयर बार होती है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर होती है, और हम लोग 1 स्क्वायर मीटर में एक चेयर बार प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमारी ये चेयर बार हैं उनका जो डायामीटर है वो कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू SP 34 जो हमारी चेयर बार हैं उनका जो डायामीटर है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो हमारी ये फुटिंग है उसमें जो हम चेयर बार प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो डायामीटर है वो 25 mm है। 25 mm ही क्यों लिया गया, हम 20 mm भी ले सकते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी फुटिंग है उसमें जो स्टील बार हमारी यूज हो रही हैं उनका जो डायामीटर है वो 20 mm है। तो आपको एक चीज़ और भी ध्यान देनी है, जब आप चेयर प्रोवाइड करते हैं चाहे वो स्लैब हो या फिर हमारी कोई फुटिंग हो, तो आपको ध्यान देना है जो भी आपके स्लैब या फुटिंग में स्टील बार यूज हो रहे हैं उसका जो डायामीटर है उससे एक डाया अप होना चाहिए। सपोज अगर आप स्लैब में 10 mm डाया की स्टील बार यूज कर रहे हैं तो आपकी जो चेयर बार की डायामीटर होनी चाहिए वो 12 mm होनी चाहिए, ना कि 10 mm। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ चेयर बार से रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद अब वो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए,
और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।